Hey guys, welcome to my channel. कैसे हो आप सभी लोग? I just hope आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे. So guys, आज की मेरी ये वीडियो फिर एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. मेरी एक सब्सक्राइबर हैं सरोजनी करके, जिन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको साड़ी पे रुमाल लगाना सिखाऊं, कि साड़ी पे रुमाल हम किस तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि कॉटन की हैंकी हम किस तरीके से अपने साड़ी पे टक कर सकते हैं. तो आज उनकी इस रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ. तो सबसे पहले मैं अपने इन सब्सक्राइबर से यही कहना चाहती हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये सुना जब आपने मुझे कमेंट किया कि हम लोग साड़ी पे कैसे टक करके अपना कॉटन का रुमाल वियर कर सकते हैं. बट मैंने आज तक ना ही कभी ये देखा है, ना ही कभी ये किया है. बट आपके लिए और आपकी रिक्वेस्ट के लिए मैं आज आपके लिए इस वीडियो को लेके आई हूँ. तो मैं आपको 5 तरीके बताऊँगी कि किस तरीके से आप लोग अपनी साड़ी पे कॉटन के रुमाल को टक कर सकते हैं. तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन से वो तरीके हैं जिन तरीकों को आसानी से आप लोग करके अपनी साड़ी पे कॉटन का हैंकी लगा सकते हैं. तो चलिए देखिए. तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉटन का रुमाल ले लेना है. ये मेरे पास कॉटन का रुमाल है और इसको डिफरेंट तरीके से हमने अपनी साड़ी पे इसे टक करना है. तो ये देखिए आप लोग, ये कॉटन का रुमाल है. तो यहाँ से जो ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगी और यहाँ पे इसे ऐसे लगाऊंगी. देखिए आप लोग, ये हमारा, और फिर इसको मैं एक पोर्शन में और ऐसे करूंगी. ये देखिए आप लोग, ये हो गया ना. तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से मोड़ूंगी, मोड़ती जाऊंगी. ठीक है, मोड़ लिया इतना, तो उतना ही पार्ट में यहाँ का जो है ये वाला पोर्शन इसको लूंगी और इसे भी हल्के हल्के मोड़ती जाऊंगी. इसी तरीके से आप लोगों ने इसे मोड़ना है. ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसे बनाना है. ठीक है, हो गया. फ्रंट से ये ऐसा लगेगा और बैक से ये ऐसा दिखेगा. आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक पिन टचअप कर सकते हैं, बट मैं नहीं लगाऊंगी. तो इस तरीके से ये जो इसका उल्टा पोर्शन है, इसको ऐसे बैक साइड में करके जो ये पोर्शन है, इसको मैं यहाँ पे अपने जो कमर का जहाँ पे हमारी प्लेट्स होती हैं वहां पे ऐसे लगा लूंगी. देखिए आप लोग, कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ पे लगा लेंगे. ये देखिए आप लोग, तो पहला ट्रिक आपका ये है. इस तरीके से आप लोग साड़ी पे कॉटन का रुमाल लगा सकती हैं. दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी. हमने ये ओपन करना है, ये सारा ओपन करना है. ये है ना हमारा, ये देखिए ऐसे करना है, ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है और ऐसे मोड़ना है, 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 ऐसे मोड़ना है और ऐसे कर देना है. ठीक है, उसके बाद आपने ये दोनों पोर्शन है इसको यूं करके, ठीक है. ये देखिए आप लोग, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल बन गया है. अगर आप लोग इसे दिखाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप लोग अपना जो पल्लू है उसके यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हल्का सा, और ऐसे इसे टच करके लगा सकते हैं. अगर आप लोग चाहें तो इसे दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं. ठीक है, सो दूसरा तरीका था ये. अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में. तो यहाँ पे मैंने ये कॉटन का फिर ले लिया अपना. ये हमारा वो है, इसका ये पोर्शन पकड़ के और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि यहाँ वाला पोर्शन, इसको हम लेंगे, ये देखिए, और कुछ इस तरीके से रख लेंगे. यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा यूं करना है, ये देखिए अपनी फिंगर की मदद से इसको थोड़ा मोड़ना है. और हमारी जो साड़ी का पल्लू होता है, साड़ी के पल्लू का जो ये कॉर्नर है, इस पे हमने इसको टक कर देना है. तो हम इसे कुछ इस तरीके से बांध देंगे. देखिए आप लोग, कुछ इस तरीके से हमने इसे बांध लिया है. अब मैं आपको दिखाती हूं, हमने अपने पल्लू को अपोजिट साइड में लेके यूं मोड़ के, ये कॉटन की साड़ी है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट अगर आप लोग कॉटन की साड़ी ना पहन के कोई दूसरी साड़ी पहने तो ये अच्छा हो जाएगा. बट इसमें थोड़ा पल्लू इसका फूला फूला लगता है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. तो ऐसे अपने पल्लू को मोड़ के ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक स्टाइलिश तरीका है. अगर हम किसी की पार्टी में जा रहे हैं या फिर किसी की शादी फंक्शन में जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा सा स्टाइल है. आप लोग इस तरीके से भी कॉटन के रुमाल को टक कर सकते हैं साड़ी पे. ये देखिए, तीसरा हमारा ये वाला तरीका था.
इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से आप लोग इस तरीके से जा सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा ना करना चाहें तो इसके तो इसको छोड़ के जो इसका मैंने बॉर्डर कॉर्नर पकड़ा था ना, ये वाला बॉर्डर कॉर्नर, इसको आप लोग यूँ भी ले सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा पल्लू पकड़ना है, बस ये बॉर्डर कॉर्नर पकड़ लो और इसको इस तरीके से कर लो। ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखिए बहुत अच्छा तरीका लग रहा है। यहाँ से आपका पल्लू भी अच्छा लगेगा और यहाँ से भी आपका पल्लू अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है। अभी मैं फिर इसको वही पोर्शन करूँगी, इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पकड़ के, ठीक है, और इसका वन साइड ही मैं एक ही साइड मोड़ूंगी। ये देखिए ऐसे मोड़ना है, 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 इतना ही मोड़ना है। और जो ये पोर्शन है इसको हमने यूँ यहाँ पर टक कर लेना है। देख लिया आपने, इस तरीके से टक कर लेना है और इसे इस तरीके से नीचे को कर देना है और यहाँ पे इसे टक कर लेना है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने इसे टक कर लिया है। बहुत ही अच्छा ये लग रहा है, हमारा लुक भी इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। और अभी मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताऊंगी, नेक्स्ट तरीके को बताने के लिए ये देख सकते हैं आप लोग, ये है, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है, ठीक है। इसको ऐसे करूँगी जैसे हम नॉर्मली अपनी हैंकी को, नॉर्मली जो हैंकी यूज़ करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको यू कर देंगे, देखिए आप लोग यू कर दिया, इस पोर्शन में हो गया ना, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे अपनी प्लेट्स पे लगानी है। ये देखिए प्लेट्स पे मैं स्टक करूँगी, ये देखिए प्लेट से मैंने इसे टक कर लिया। अगर आप लोग चाहें तो इसे ऐसे रख सकते हैं, बट अगर आप लोग इसे नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तरीका मेरा ये था। सो मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको हैंकी कॉटन की हैंकी टक करना सिखाऊं साड़ी पे, तो मैंने उनको सिखा दिया है। बस बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कॉटन की हैंकी को टक कर सकते हैं। ये नहीं है कि डिफरेंट स्टाइल में करो, बहुत इजी तरीका है। आप लोग अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं, बट अगर आप लोग नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। डियर आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जिस तरीके से आपने मेरे से रिक्वेस्ट की थी। काफ़ी दिनों से आप रिक्वेस्ट करी थी कि मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम कॉटन के हैंकी को साड़ी पे टक कर सकते हैं, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर ली है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेक श्योर अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपके कोई रिक्वेस्ट और हो मुझसे लोग मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके उन रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरी करूंगी। ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से मैंने आपको हैंकी लगाना नहीं सिखाया है, बहुत ईजी तरीके से आपको हैंकी लगाना सिखाया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप आसानी से मेरे जो मैंने आपको ट्रिक बताए हैं उन ट्रिक को फॉलो करके आप भी अपनी साड़ी में कॉटन का रुमाल टक कर सकें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ गाइज आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।